ब्रिजिंग द गैप, साइट सेवर्स और यूरोपियन कमीशन की एक परियोजना। सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक बहुत ही बढ़िया घोषणा पत्र पारित किया, जिसमें सतत विकास के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं या SDGs कहते हैं शॉर्ट में। इस घोषणा पत्र को उस दिन विश्व के सारे ही देशों ने मान्यता दी, सब देश के बड़े बड़े लोग वहां पे आए थे, और उस घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि हम पूरी विश्व को इस तरह से अगले 15 साल में विकसित बनाएंगे जिससे देश विश्व में कोई किसी तरह की गरीबी ना रहे, असमानता ना रहे, और सारे लोग समाविष्ट होकर समाज का विकास करें। अब ये बड़ा ही एक महत्वाकांक्षी पर मुश्किल काम है। इसके लिए जो स्थानिक स्तर पर जो लोग हैं और स्थानिक सरकारें हैं, उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। साइट सेवर्स इंडिया ब्रिजिंग द गैप नामक एक परियोजना चला रही है यूरोपियन कमीशन की साझेदारी में, और इस परियोजना का उद्देश्य है कि जो विकलांग भाई बहन हैं वो अपने संगठनों के माध्यम से इस परियोजना में शामिल होंगे और अपने राज्यों को और सरकारों को अपनी इस विषय की साझेदारी तय करने में सहायता करेंगे, और यह परियोजना देश के 5 राज्यों में चलेगी। नमस्ते, मैं निधि गोयल हूँ। मैं विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर काम करती हूँ और विशेष रूप से विकलांग महिलाओं के अधिकारों पर काम करती हूँ। मेरे साथ आज बातचीत में हैं रिजवान अली। सबसे पहला सवाल, जब हम विकलांग महिला और उनके अधिकारों के बारे में बात करना चाहते हैं तो एक सवाल उठता है कि हम विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर तो बात कर ही रहे हैं, तो विकलांग व्यक्ति और विकलांग महिला अलग क्यों हुए? अगर मैं 2-3 यहाँ पर आपको उदाहरण दूँ तो सबसे पहले मैं आपको प्रजनन स्वास्थ्य का उदाहरण दूंगी। ये विशेष रूप से ये जो प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर जो अधिकार जो होंगे या प्रजनन स्वास्थ्य तक या स्वास्थ्य के स्कीम्स तक जो पहुंच है वो सारी विकलांग महिलाओं के लिए होंगे। अब प्रजनन स्वास्थ्य के अंदर अधिकतर अगर हम बात करें तो गर्भ निरोधन की या अडॉप्शन यानी बच्चा गोद लेने की, ये सारे जो अधिकार हैं ये फिर से विकलांग महिलाओं को तक सीमित हैं या उनके लिए विशेष रूप से हैं। अगर हम दूसरा उदाहरण लें तो समाज में एक बहुत गैर समझ बनी हुई है विकलांग व्यक्तियों के प्रति। वो बहुत बेचारे हैं, वो समाज पे बोझ हैं, उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाता है। पर इसमें वो विकलांग व्यक्ति अगर महिला हो तो यही सामाजिक सोच और बुरी हो जाती है। समाज के हिसाब से ना वो अपने बारे में निर्णय ले सकती हैं, ना अपने शरीर के बारे में, ना अपनी लैंगिकता यौनिकता किसी के भी बारे में वो ना निर्णय ले पाती हैं। उन पे कई सारे निर्णय थोपे जाते हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। 2006 में विकलांग अधिकारों पर एक अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र बनाया गया था जिसे हम अंग्रेजी में UNCRPD कहते हैं। UNCRPD में ये कहा गया है कि जो बाकी सब अधिकार हैं वो हर विकलांगता और हर लिंग के लिए हैं, पर तो भी ये आवश्यकता है कि एक अलग से आर्टिकल हो, एक अलग से जगह हो, सेक्शन हो जिसमें विकलांग महिलाओं के अधिकार लिखे जाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और एक कार्यसूची बनाई गई है जिसे हम 2030 कार्यसूची कहते हैं। एक जो मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने वाला या बढ़ाने वाली एक वैश्विक संधि है जो 2030 कहते हैं इसे, 2030 एजेंडा, जो अभी केतन ने भी हमें शुरुआत में परिचय देते समय बताया, उसमें भी जो 5वां लक्ष्य है वो महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करता है जिसमें विकलांग महिलाओं को जोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सारी जो रचना की गई है उसमें से ही उसका ही आधार लेकर RPD एक्ट बनाया गया है, और ये सारे कहीं ना कहीं हर स्तर पर और विकलांग महिलाओं के अधिकारों पर सारे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। 2016 में भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए एक विशेष कानून बनाया गया है। ये कानून विकलांग अधिकारों पर जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे CRPD कहते हैं उसके अनुपालन में बनाए गए हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस कानून में पहली बार विकलांगता पर बने इस कानून में विकलांग महिलाओं को अलग से जगह दी गई है, और उनके खिलाफ होने वाले शोषण, दुरुपयोग, हिंसा, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य का अधिकार,
के बारे में बात की गई है और आजीविका के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं। आरपीडी एक्ट की धारा 7 हिंसा मुक्त जीवन जीने के बारे में बात करती है, धारा 84 एक विशेष न्यायालय के बारे में बात करती है, और धारा 92 विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ अपराध और उसके संबंध में दंड के बारे में बात करती है, और इसमें महिलाओं को हिंसा मुक्त जीने के प्रावधान को संबोधित किया गया है। अगर किसी व्यक्ति जिसे विकलांगता है उसके साथ किसी भी किस्म का शोषण, हिंसा या दुर्व्यवहार हो रहा है या होने की संभावना है, तो वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट उस जिले का उससे संपर्क कर सकते हैं, और ये उसकी जिम्मेवारी होगी कि वो उस हिंसा या दुरुपयोग को रोके। ये जानकारी उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को DPO भी दे सकते हैं, ऐसा इस कानून में प्रावधान है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जैसी सूचना मिलती है कि किसी विकलांग महिला के साथ हिंसा हो रही है या हिंसा होने की संभावना है, तो वो उसे पुलिस को, स्थानीय पुलिस को उसे रोकने का आदेश देंगे। किसी पंजीकृत संगठन को उस महिला को आश्रय देने का आदेश भी दे सकते हैं, और अगर उस महिला की जान को खतरा है तो उसे प्रिवेंटिव कस्टडी में, हिरासत में लेने का, सुरक्षात्मक हिरासत में लेने का आदेश भी दे सकते हैं, और साथ ही साथ वो उसके भरण पोषण के लिए की देखभाल करने का आदेश भी दे सकते हैं। RPD एक्ट की धारा 92 में विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ अपराध और उसके दंड के संबंध में बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी सार्वजनिक दृष्टि के स्थान पर किसी विकलांग व्यक्ति को अपमानित करता है तो ये अपराध है और दंडनीय है। अगर कोई व्यक्ति विकलांग व्यक्ति को के ऊपर हमला करता है या किसी विकलांग महिला की लज्जा को भंग करता है तो ये दंडनीय अपराध है। अगर किसी व्यक्ति का किसी विकलांग व्यक्ति के ऊपर कंट्रोल हो और वो उसे भोजन देने से इनकार करता है, या अगर वो तरल पदार्थ खाता हो तरल पदार्थ खाने से इनकार करता है, अगर कोई व्यक्ति किसी विकलांग बालक या महिला के साथ यौन शोषण करता है या उसके किसी सहायक उपकरण यंत्र को नुकसान पहुंचाता है या किसी अंग को नुकसान पहुंचाता है, ये अपराध है। और इसके साथ साथ सेक्शन 92 में लिखा गया है कि कोई ऐसा चिकित्सकीय कार्य करता है उस महिला की इच्छा के विरुद्ध जिससे उसका गर्भ समाप्त हो जाए, ये कानूनी रूप से अपराध है। इस कानून में 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा के प्रावधान है और साथ में जुर्माना भी है। इतने बदलाव के बाद भी ये कानूनी प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसलिए इसमें DPO का काम बहुत अहम हो जजाता है। तो क्या आप ऐसे छोटे छोटे 3-4 कदम बता सकते हैं जो स्थानीय संस्थाओं को लेना चाहिए? सामाजिक जन जागरूकता की बहुत आवश्यकता है महिला अधिकार के लिए, और ज़रूरत है कानूनी प्रावधानों से जुड़ने की, उनको समझने की, उनको लागू कराने की। प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है, जो अभी प्रशिक्षण कार्यक्रम है पुलिस का, न्याय का, मेडिकल प्रोफेशनल्स का, उसमें जेंडर डिसेबिलिटी को शामिल करने की आवश्यकता है, विकलांग महिला के अधिकारों को शामिल करने की आवश्यकता है, और नए करीब प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है जिससे कि हमारे जनप्रतिनिधि, पेशेवर और न्याय सेवा में काम करने वाले लोग महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके और उन्हें अधिकार देने की प्रक्रिया में शामिल हो सके। जब भी DPOs कोई भी संशोधन करे या कहीं भी गिनती हो, कोई भी तरह का सर्वेक्षण हो, उसमें ये ज़रूर ध्यान रखें कि विकलांग व्यक्तियों का जब डेटा इकट्ठा करें, जब कौन कौन सी विकलांगता है ये ढूंढें, तब ये ज़रूर देखें कि उसमें से महिला कितनी है, क्योंकि हमें ये समझना है कि विकलांग महिलाओं के अधिकार भी मानव अधिकार हैं, विकलांग महिलाओं के अधिकार भी विकलांगता पे अधिकार हैं, और सम्मान के साथ, समानता के साथ रहना और जीवन व्यतीत करना, ये RPD एक्ट में, CRPD में, SDG में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मानव अधिकार हैं जिसमें विकलांग महिलाएं भी शामिल हैं। वक्ता केतन कोठारी, एडवोकेसी मैनेजर साइट सेवर्स इंडिया, निधि गोयल, फाउंडर डायरेक्टर राइजिंग फ्लेम, रिजवान अली फहीम, लॉयर लतिका रॉय फाउंडेशन। यूरोपियन यूनियन का चिन्ह, यह एक गहरे नीले रंग का झंडा है जिस पर 12 पीले सितारों से एक गोलाकार बना हुआ है। टुगेदर 2030 का चिन्ह, यह एक गोलाकार ग्रे रंग का चिन्ह है जिसके ऊपरी हिस्से में टुगेदर लिखा हुआ है शब्दों में
और निचले हिस्से में 2030 अंकों में लिखा गया है, जिसका पहला शून्य पृथ्वी का गोलाकार नक्शा है। साइट सेवर्स का चिन्ह एक पीले बैकग्राउंड पर दो सफ़ेद गोलाकार ऊपर और नीचे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और सबसे नीचे काले में लिखावट है साइट सेवर्स।